यूपी में महागठबंधन में उसी दल को सबसे अधिक संसदीय सीट मिलने वाली है जिस दल की ताकत अधिक होगी। लोकसभा चुनाव 2014 की बात की जाए तो बसपा के पास एक भी सांसद चुनाव नहीं जीते। यूपी चुनाव 2017 में बसपा की ताकत सपा से कम हो गई थी, लेकिन महागठबंधन में सबसे अधिक सीट बसपा को ही चाहिए। जो दल पहले से कमजोर था वह अन्य दलों पर सबसे अधिक सीटें देने का दबाव बना रहा है, जो सफल भी होने वाला है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा संसदीय व यूपी विधानसभा चुनाव दोनों ही हार चुकी है। अखिलेश यादव पर अब जबरदस्त दबाव है। यदि एक और चुनाव अखिलेश यादव की पार्टी हार जाती है तो सपा में जबरदस्त बिखराव हो सकता है। यह बात अखिलेश यादव जानते हैं, इसलिए कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर बसपा से गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव के अलग होते ही बसपा की ताकत बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो की मांग मानना व अखिलेश यादव की व्यवस्था हो गई है, क्योंकि वह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के साथ शिवपाल यादव की पार्टी को भी पटकनी देनी है। यह तभी संभव होगा जब बसपा से गठबंधन हो। शिवपाल यादव की ताकत जितनी बढ़ेगी उतनी ही सपा कमजोर होगी और बसपा को फायदा पहुंचेगा। इस तरह शिवपाल यादव अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जिससे बसपा मजबूत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी में बसपा को सबसे शक्तिशाली दल बनाने का जो सपना देखा था वह पूरा होने वाला है। फिलहाल की बात की जाए तो यूपी की राजनीति में बसपा ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जिससे गठबंधन किए बिना कांग्रेस व सपा दोनों का ही भला होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।